इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, प्रसूता की मौत। पति ने 2000 रुपए के रिश्वत का लगाया आरोप। मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के बिगड़े हालात, सिस्टम को आखिर सुधरे कौन सुधारे। जिला अस्पताल के प्रसवोत्तर प्रसूति केंद्र रायसेन का बिगड़ा ढर्रा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। महिला मैटरनिटी यूनिट में फिलहाल 3 डॉक्टर, महिला डॉक्टर सुनीता अतुलकर, मेडिकल ऑफिसर दीपक गुप्ता, डॉक्टर शबाना मसूद पदस्थ हैं। यहां लंबे अरसे से इनकी मनमानी और लापरवाही, गुटबाजी का जंगल राज चल रहा है। 24 घंटे यहां इन तीनों डॉक्टरों के बिना इजाजत के पत्ता तक नहीं हिलता। हाल ही में मैटरनिटी यूनिट की महिला डॉक्टर शबाना मसूद की मनमानी, उदासीनता का ताजा मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर शबाना मसूद पर डिलीवरी के समय पैसे मांगने के आरोप उसके पति ने लगाए हैं। डिलीवरी के दौरान मृतिका छोटी बाई के पति ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर शबाना मसूद ने हमसे 2000 रुपए मांगे थे, हमने नहीं दिए तो लापरवाही बरतने से उसकी पत्नी छोटी बाई की मौत हो गई। छोटी बाई के पति ने क्या कहा, ये तो हम सबको वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। इंडियन टीवी न्यूज से उपेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? रोहित। क्या मामला है? बरेली से डिफर किया था रायसेन के लिए। अच्छा, किसको? मेरी मिसेस को। क्या नाम है उनका? छोटी भाई। जी, आपका नाम क्या है? रोहित जी। हाँ, तो क्या हुआ है फिर? यहाँ बरेली से रायसेन डिफर किया, मतलब जिला चिकित्सालय में जी। हाँ, फिर यहाँ पे 2 दिन तकलीफ हुई। हाँ, उनको छोटी भाई को। हाँ, उसके बाद सुबह 31 तारीख को ऑपरेशन थिएटर ले गए सुबह 7:38 पे। कौन ले गया था? क्या नाम? मैडम शबाना मैडम का। शबाना मैडम, डॉक्टर शबाना मैडम। हाँ, फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मेरी सास से बोला, पैसे मांगे मेरी सास से। कितने? 2000 रुपए मांगे थे बोल रही थी सास। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद मैं ऑपरेशन किया और मेरी सास को हाथ पकड़ करके ले गए अंदर। अंदर पकड़ के ले गए, बोलने लगे ले तेरी बेटी मर गई, इसको देख ले। पैसे नहीं दिए थे आपने? क्या पैसे नहीं दिए? अच्छा, सास से ये भी बोला था कि अंगूठा लगा दे, साइन कर दे। पहले सास ने बोला, फिर क्या अंगूठा बाद में लगाऊंगी, पहले मेरी बच्ची को बचा ले। उसके बाद उन्हें लड़की को अंदर ले गए और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद बच्चे को मेरी सास को दे दिया। सास को देने के बाद उन्हें बोला सास से कि ले तेरी बच्ची मर गई, अब इसको ले जाकर। उसके बाद मैंने डिफर किया रायसेन एम्स हॉस्पिटल भोपाल जी। और डॉक्टर ने वहाँ पे बोला भोपाल में मुझसे, क्या तुम कौन? मेरे की रोहित छोटी भाई का पति। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन वहाँ पर ठीक नहीं हुआ, मुझे वहाँ के कागजात दो रायसेन के। जहाँ पे आए जहाँ पे कोई कागजात दिए नहीं उनको। आपको जब भर्ती किया हो तब तो कागज बनवाए होंगे ना आपने? जी, कोई नहीं दिया उन्होंने, एक दिया था कागज वो यहाँ से डिफर करने के लिए बस। जब आपने यहाँ भर्ती किया था तो एक पर्चा बनता है, पर्चा बनवाया था? बनवाया था आपने, रसीद कटती भर्ती की? जी कटी। वो कहाँ है? वो नहीं रख ली। अच्छा, भोपाल एम्स हॉस्पिटल। और यहाँ पे जो बना था रायसेन का, वो यहीं रख लिया? नहीं रख लिया। अब आपका क्या कहना है? जी न्याय मिलना चाहिए। कैसा, क्या आपका कहना, किस पे इल्जाम लगा रहे हो आप? शबाना मैडम। शबाना मैडम, डॉक्टर शबाना पे जी। उन्होंने आपने पैसे नहीं दिए तो? जी, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो लापरवाही बढ़ती है। उन्होंने भोपाल के डॉक्टरों का कहना है, अगर यहाँ पर डॉक्टर वो ऑपरेशन सही से होता तो उनकी जान नहीं जाती। वो यहाँ पे कुछ वो रह गई थी वो सफाई सही से नहीं हुई, इससे पॉइजन फैल गया, उससे मौत। तो आपने कहीं और शिकायत की है क्या? जी, सीएल हेल्पलाइन 181 पे फोन किया था। क्या कहा उन लोगों ने? कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। कब किया था आपने? मैंने 31 तारीख को 12 बजे रात को। अच्छा, आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट डाली नहीं? डाली अभी? जी नहीं डाली, बरेली में डाली। बरेली वाले बोले कि वहीं पर डलाएगी रायसेन। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या चाहते हो अब आप? न्याय मिलना चाहिए सर। अच्छा अच्छा, पुलिस में जाती है। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।